बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के दफाउनकला गांव स्थित जोगियों की ढाणी में पानी की विकराल समस्या। बावजूद इसके प्रशासन और संबंधित लोगों से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। एक बड़ा सवाल यहां, आखिर कब मिलेगा इस ढाणी के लोगों को पानी? इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से त्रस्त हैं ढाणी के लोग। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या मामला है? मामला पानी का सबसे ज्यादा पानी का समस्या है। पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ न कोई ट्यूबलेट है, न कोई बोर है, न कुछ हैंडपंप, कुछ भी नहीं है। और पानी पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, तो पानी भी डबल चाहिए। अब पानी की वजह से हम दूर दूर से मोटरसाइकिलों से माथा से भर भर के लाते हैं, जहाँ पानी मिलता है वहाँ से, और वो भी मोल पानी मिलता है जहाँ से भर भर के लाते हैं। नहीं सरपंच सुनता है, नहीं कोई प्रधान सुनता है। वोटिंग के टाइम पे सब आ जाते हैं, आपके हम वो करवा देंगे। और अब एक भी कोई नहीं सुनता, सब आश्वासन दे देते हैं हाँ होएगा, पर करता कुछ भी नहीं है। नहीं कोई सरपंच सुने, नहीं कोई प्रधान सुने, नहीं कोई और सुने। और वोटिंग के टाइम पे तो लाइन लगा देंगे, हम ये करवा देंगे, तुम्हारे ये करवा देंगे, बोर लगवा देंगे, ट्यूबवेल लगवा देंगे, जो ऊपर टंकी बनवा देंगे, वो सब करवा देंगे। आपका नाम? मेरा नाम कल्याण नाथ जी। मामलो है पानी का मामला तो साहब, हमारा पानी की बिल्कुल व्यवस्था हो। हमारी छोर छापरे से दुनिया अबड़ थपड़ मारा, गांव में जाए दूसरी पंचायत में से पानी ले आओ जी, छोर छापरे गांडी फोड़े जी, बगाओ जी, बिल्कुल पानी का ऊपर पूरा राड़ा में। हमारा नाथन की डाणी बहुत परेशान थी, चार चार बर्तन लिया, अपनी दर दर खम एक एक कोस पास खास लिया पानी, ये भी पानी भरवा को दूसरी पंचायत का सरपंच का को भरवा दी। हमारा सरपंच में कहीं होगा। आपका नाम? भगवती।